तो देखिए लिखा है कि पूरे प्रदेश में बुधवार से भेजी जाएंगी कापियां 2020 की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफी गुड न्यूज है आपके लिए, क्योंकि आपका जो यूपी बोर्ड का एग्जाम जितने भी बच्चे देने जा रहे हैं उनका पेपर और कापी रेडी हो चुका है। कितने लागत लगा है, कितने इस बार टीचर मतलब कापी को जांचेंगे ताकि आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है जल्द से जल्द आ चुके। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान सकें। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2020, यूपी बोर्ड की परीक्षा में खर्च होंगे 150 करोड़ रुपये। देखिए मतलब कि शाम को 10 बजे आया था, 10 मतलब कि 5:40 पर ही 10 तारीख को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 18 फरवरी से प्रस्तावित यूपी बोर्ड की परीक्षा पर सरकार लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस बजट से माध्यमिक शिक्षा परिषद के अफसरों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के लिए डेस्क, देखिए डेस्क स्लिप से लेकर अंक पत्र सह प्रमाण पत्र तक इंतजाम करना है, ठीक है। हालांकि पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण बोर्ड पर पिछले कई सालों का गवर्नमेंट प्रेस का तकरीबन 200 करोड़ बकाया भी है, तो इससे कोई लेन देन नहीं है अभी। लेकिन यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के बजट में सर्वाधिक खर्च विभिन्न विषयों के पेपर बनवाना, उनका मॉडरेशन छपवाना और जिलों तक पहुँचाना होता है। प्रश्न पत्र कई सेट में बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि लीक होने पर परीक्षा संपन्न कराई जा सके, यानी कि कोई पेपर आउट भी हो गया तो उसको रद्द करके और दूसरा पेपर भी कराया जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि पेपर का पूरा काम अति गोपनीय होता है, मतलब कि यह किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया जाता है, केवल जिसकी जानकारी बोर्ड सचिव के अलावा किसी को भी नहीं होती है, ठीक है। केवल बोर्ड का जो सचिव होता है श्री नीना वास्तव है यूपी बोर्ड के, तो वही जानेंगे और कोई नहीं जानता है, ठीक है। छात्र छात्राओं की देखिए करोड़ों की कापियां जांचने के लिए तकरीबन 1.5 लाख शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। इसमें 15 करोड़ के आसपास खर्च आता है। जितने भी देखिए कितने करोड़, 15 करोड़ जो कापी जांचते हैं टीचर उनको दिया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए क्या है, यहाँ से ब्लूप्रिंट नहीं देखना है, यहाँ से देखना है। पूरे प्रदेश में बुधवार से भेजी जाएंगी कापियाँ 2020 की बोर्ड परीक्षा के लिए। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए उत्तर पुस्तिकाएं विभिन्न जिलों में बुधवार से भेजी जाएंगी। गवर्नमेंट प्रेस सूत्रों के अनुसार सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 10 जिलों में सिली हुई कापियां भिजवाने के निर्देश मतलब दिए थे, लेकिन अभी तक जिलों का नाम फाइनल नहीं हो सका था इसलिए नहीं गया था, लेकिन अब फाइनल हो चुका है। अब कापी आपकी बुधवार से यानी कि आज मंगलवार है और आपकी कल से जो कापियाँ हैं वो भेजी जाएगी। तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, बधाई है, गुड न्यूज। आप देखते रहिए कि क्या क्या बोर्ड एग्जाम हमारे लिए कर रहा है, ये भी देखना है, साथ एग्जाम की तैयारी करना है, तो एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और ये तो जो होने वाला है हो ही रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।